हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, मैंने पहले भी बताया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैसे वर्क करती है, हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो क्या कह सकते हैं हम, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद कैपेबिलिटी एबिलिटी टू एक्सेप्ट यूजर सप्लाई डेटा कि जो यूजर सप्लाई करता है उसे एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, उसे स्टोर करता है और फिर आउटपुट देता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आउटपुट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। जिस अकॉर्डिंग हम डेटा देते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम, ऑल द कॉम्पोनेंट्स टूगेदर कम्बाइंड टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। हर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर। तो एक कंप्यूटर सिस्टम इज अ मशीन दैट इज डिजाइन टू फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम टू गिव द डिजायर रिजल्ट नोन एज आउटपुट। वही बात है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जो कि हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट देती है। ओके स्टूडेंट्स, थ्री स्टेज होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, यही होता है ना। तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस रिक्वायर्स द इंटरेक्शन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर। प्रोसेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, किसके, हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर क्या होता है ये बता रखा है मैंने, जिस भी पार्ट को हम कंप्यूटर के पार्ट को टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर जिस पार्ट को हम टच नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर कैबिनेट के, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पावर सप्लाई। इसके बाद हम आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही। आपको इसी पेज को रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।